i'm your science teacher. hope you all are fine. now we will start our new chapter, chapter 14th, our earth. so in this chapter, we shall learn about our planet, the earth. we should also know about the, what are the compositions that make up our earth, what are the gases that are available in our earth, and which gas should be used to breathe, and what are the other natural things that we should obtain from our earth. all these physical characteristics and uh, all the things we should know about our earth now let's begin the chapter chapter 14 our earth get a start create the objects that match with the shape of the earth so students look at the images and find those objects that are similar to the shape of the earth now first image shown is an egg egg is an oval shape और अर्थ शेप इज एन स्पेयर स्पेयर शेप होती है हमारे अर्थ की तो फाइंड द इमेज डेट है स्पेयर शेप फर्स्ट इज एग सेकेंड इज फुटबॉल थर्ड इज ऑरेंज एंड लास्ट वन इज बैंगल तो राइट ऑरेंज थर्ड इमेज इज द राइट नाउ लेट्स रीड दी चैप्टर वी लिव ऑन दी अर्थ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव हेयर बच्चों हम सब अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं हमारे साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे और जंगली जानवर भी पाए जाते हैं इट इज़ राउंड इन शेप बच्चों हमारा अर्थ का शेप कैसा होता है राउंड होता है इट इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट बच्चों हमारा अर्थ जो एक खूबसूरत प्लानट है इट इज ओनली प्लैनेट विच हैज एयर एंड वाटर ऑन इट बच्चों सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे हवा और पानी पाया जाता है अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर बच्चा हमारा अर्थ सर्फेस का सेवेंटी परसेंट पानी से कवर्ड है ओनली थर्टी परसेंट ऑन द अर्थ सर्फेस कवर्ड विद लैंड बच्चों हमारे टोटल अर्थ पे सेवेंटी परसेंट पानी है और थर्टी परसेंट लैंड यानी जमीन है दिस इज अ ग्लोब इट इज द मॉडल ऑफ आर अर्थ The blue parts shown water on it, the brown parts shown land on it. Now, students, look at the globe. This is the model of the earth, and the blue part that can see here is the water. Means that the content, water content, shown in the blue part, and the land content, shown in the brown part. Now, come to the land. The earth has a solid, dry surface called land, it has different land forms. अर्थ का बच्चों एक सॉलिड ड्राई सरफेस होता है जिसे हम लैंड यानी जमीन कहते हैं लैंड के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं मतलब कि टेक्सचर उसका डिफरेंट होता है डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फर्स्ट अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स ठीक बिल्कुल फ्लैट एरिया है बच्चों ज़मीन का उसे हम प्लेन कहेंगे हम कहाँ रहते हैं पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है प्लेन्स पे नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ प्लेन नेक्स्ट माउंटेन वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड माउंटेन जो सबसे ऊंचा लैंड होता है उसे माउंटेन यानी पहाड़ कहते हैं स्नो माउंटेन्स की जो चोटियां होती है पीक्स होती वो है वो बर्फ से ढकी रहती हैं नेक्स्ट इज हिल्स लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स माउंटेन से छोटे होते हैं साइज में वो हिल्स होते हैं नेक्स्ट द लैंड लाइंग बिटवीन टू माउंटेन्स और इज कॉल्ड अ वैली और बच्चों जो लैंड होता है माउंटेन्स और हिल्स के बीच में पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम वैलीज कहते हैं यानी खाड़ी पहाड़ों की खाड़ी नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज डिजर्ट आ यूज लैंड एरिया कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड द डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो सिर्फ रेत से कवर्ड है सैंड से कवर्ड है उसे हम डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं नेक्स्ट इज आईलैंड

नेम फाइव नेचुरल थिंग्स डिट कैन बी सीन ऑन दी अर्थ बच्चा आपको फाइव नेचुरल थिंग्स बतानी है जो आपको पृथ्वी पर नजर आती है नाओ फिलेटियर ट्रीज माउंटेन्स रिवर्स ओशंस एंड हिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग वट इज द इंडियन नेम ऑफ द अर्थ अर्थ का इंडियन नेम क्या है बच्चों नाउ स्टूडेंट्स फिल दी फिल्ड आंसर हमारे अर्थ का इंडियन नेम है पृथ्वी ना कम टू दॉपिक वॉटर वॉटर इज द होम ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड वॉटर प्लांट्स

हमारे अर्थ में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती है मतलब बच्चों जहाँ से जहाँ एक ऐसा वाटर सोर्स जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है उसे हम वाटर बॉडी कहते हैं नाउ लुक एट दर्स्ट इमेज ऑन ओशियन ऑन ओशियन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन दी अर्थ ओशियन यानी बच्चों समुद्र जो होता है महासमुद्र जिसे हम कहते हैं ये सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है अर्थ की जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी मिलता है लार्ज वाटर बॉडी बट स्मर देन दोशन दी समुद्र जो होता है वो ओशन महासमुंद्र से छोटा होता है और ये भी इसमें भी सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है आ रिवर इज अग चैनल ऑफ वाटर रिवर यानी नदी जो होती है ये भी बिग चैनल है वॉटर का नेक्स्ट स्ट्रीम रिवर से छोटा होता है आज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड लेक यानी झील बचो ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है जो हमारे लैंड को सराउंड करके रखती है आज स्मॉलर देना लेक एंड सराउंड बाय लैंड पॉन्ड जो होता है तालाब वो छोटा होता है लेक से और इसके भी आस पास जमीन रहती है नाउ स्टूडेंट्स लेट सी एन अमेजिंग फैक्ट सी वाटर इज सॉल्टी अबाउट नाइंटी परसेंट ऑफ वाटर इज इन द सी, ओनली थ्री परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस पे जो सेवेंटी परसेंट पानी है उसमें से अगर हम देखा जाए तो नाइन्टी सेवन जो परसेंट पानी है वो सी का होता है समुद्र का होता है जो नमकीन होता है सॉल्टी होता है जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अब बचा कितना परसेंट पानी थ्री परसेंट थ्री परसेंट पानी ही हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो साफ होता है अब आपको पता चला कि हमारे जो अर्थ प्लानट पर सिर्फ पीने के लिए पानी तो थ्री ही अवेलेबल है Now, caring for the earth, the earth is the home of human beings. We need to look after the earth. But जो earth क्या है हमारा घर होता है पृथ्वी हमारी planet है जिसपे हम सब रहते हैं So हमें उसका ध्यान कैसे रखना है So don't use plastic bags as they make the land dirty. Don't cut down trees as they make the air York, don't hurt animals. The earth is their home, too. Let's share it with all other th living things. बच्चों हम कैसे अर्थ की टेक केयर कर सकते हैं कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इसे रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है इससे हमारी लैंड डर्टी होती है कभी भी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए पेड़ हमारी हवा को साफ करते हैं अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा एयर इम्प्योर हो जाएगी हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना क्योंकि जैसे हमारा अर्थ होम है वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी अर्थ उनका लिविंग प्लानिट है अर्थ कब बच्चों हमें अच्छे से ध्यान रखना है अगर हम एक दूसरे के साथ अपना होम अपने प्लानट का ध्यान रखेंगे तो हम एक साथ मिलजुल के उस पर रह सकते हैं नाउ let's सी द न्यू words. फर्स्ट वर्ड इज planet. डेट defines अ वेरी लार्ज राउंडेड ऑब्जेक्ट इन द स्पेस that मूव्स अराउंड the और or अदर स्टार Planet बच्चों वो ग्रह होते हैं एक लार्ज राउंडेड ऑब्जेक्ट होता है जो एक किसके कि सन के अराउंड घूमता है और स्टार्स के राउंड घूमते रहते हैं नेक्स्ट वर्ड इज लैंड फॉर्म डेट मीन्स अ फीचर ऑन दी अर्थ सरफेस डेट इज़ पार्ट ऑफ द टेरन ये अर्थ सरफेस का वो पार्ट होता है जो इसे हम क्या कहते हैं टैरेंस टैरन्स सरफेस बताता है नाउ इज स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अर्चुरल फर्स्ट पॉइंट द अर्थ इज अ ब्यूटिफुल प्लान अर्थ एक खूबसूरत प्लानट होता है अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन जो फ्लैट एरिया होता है लैंड का उसे हम प्लेन्स कहते हैं लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स हिल्स बच्चों

Is the right answer? 30% of the earth is covered with water. B is the right answer. Low mountains are called hills B is the right answer. It is the major water body. But the ma major water body hai, mahasamundra. Ocean is the right answer. Now, students, let's do exercise B. Fill in the blanks. You can fill the blank space with the right word to most of the population live in plains.

एक ऐसा लैंड जो हर तरफ पानी से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं कोस्ट कट आइलैंड नाउ स्टूडेंट्स लेट सी एक्सरसाइज सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट एंड फाइंड ट्रू एंड फॉल्स वन फर्स्ट अ रिवर इज अ स्मॉल चैनल ऑफ वाटर रिवर जो है स्मॉल चैनल होता है नो स्ट्रीम होता है सो इट इज फॉल्स थर्टी परसेंट ऑफ दर्थ सर्फेस इज लैंड

Have a nice day and thank you.